बरसाने वारी की जय। तो अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ बरसाना, जो हमारे दोस्त लोग आए हैं उन लोग के साथ में, और आज है संडे। हाँ यार, एक्चुअली ना ब्लॉग आगे पीछे हो गया है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा ब्लॉग बढ़ा रह गया, मैंने अपलोड नहीं कर पाया। खैर कोई नहीं, देख लो चलते हैं हम लोग दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। हाँ कल रात को इतने लेट तक शूट हुआ, शूट करके इतना थक गए थे, बट फिर भी अभी उठ के जा रहे हैं। कोई नहीं, चलो दिखाते हैं। बोलो परिक्रमा मार्ग की जय। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम की जय। इतना अच्छा लगता है ना जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं परिक्रमा करते हुए सुबह सुबह। वाह, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बूढ़े बच्चे, एवरी बच्चे, सब परिक्रमा कर रहे हैं। जय श्री राधे। तो अपने दर्शन के दौरान में हम सबसे पहले चरण पहाड़ी आए हैं, जहाँ पे हम भगवान के चरण के दर्शन करेंगे। इसके बाद आ जाओ सब, आपको भी दर्शन करा दें। जय हो, जय गिरिराज महाराज की जय। ये वृक्ष देख रहे हो कितना पुराना है, यहाँ देखो आप लोग भी दर्शन करते रहो भगवान के चरण की। अब इसके बाद हम जाएंगे नंदगांव। नंदगांव में आप सभी का स्वागत है, हम चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और ये लड़की भी थक चुकी है, पूरा थक चुकी है, और थकने को तो हम भी लोग थक गए हैं। ऊंचाइयों पे नंद बाबा के घर जा रहे हैं। ऐसे बाजार में चलने में कितना मजा आता है ना देख के, कि यार हर जगह पे प्रसाद। चलती रहो, रुको मत, देश को रुकना पसंद नहीं। जय हो, यहाँ चप्पल रखेंगे फिर दर्शन के लिए। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगी। इसके हाथ से देखो बंदर ने छीन लिया, अभी बेचारा रोए जा रहा है। कोई बात, टेंशन मत लो, अभी ले लेंगे यार, दूसरा ले लेंगे। आओ बच्चों, बहुत भीड़ है। जय हो नंद भवन की जय हो, समवेत भक्त वृंद की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। असली आनंद आ रहा है भैया, आएगा क्यों नहीं। ओ बच्चे, अब इसके बाद हम जाएंगे बरसाना, बरसाने वाले की जय। देखो एक लड़की रील बना रही है, दिखाता हूँ, देख रहे हो, बहुत खतरनाक रील बना रही है भाई ये तो। तो देखो भैया, होली के टाइम पे यहाँ पे तो खड़ा होना मुश्किल है, बट बिना होली के टाइम पे आओ तो कितना बढ़िया लगता है ना देख के। और यहाँ देखो पूरे ब्रज के गांव। जय हो, यहाँ से देखते हैं आप सभी को नंद भवन से। हरे कृष्णा, ठाकुर जी सभी पे बहुत सारी कृपा करें। यहाँ पे देखो कितना सुंदर श्रीमती राधा रानी का वॉल पेंटिंग देखने को मिल रहा है। जय श्रीमती राधा रानी की जय। वृंदावन एक ऐसा स्थान है ना जहाँ हर घर पे मंदिर है। जैसे देखो छोटे से घर में शिव जी का कितना सुंदर सा देखने को मिल रहा है ना। बोलो शिव शंभु की जय। अब चले आगे की तरफ, आनंद लूटते बटोरते। यहाँ देखो गैया मैया, और सॉरी भैंस, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, गैया मैया, भैंस को गैया, गैया को भैंस। दर्शन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं कीर्ति मंदिर। यहाँ भी मैं देखो, तो यहाँ भी मैं पहली बार आया हूँ। भव्य मंदिर बना है यार। तो ये देख रहे हो कीर्ति मंदिर कितना सुंदर लग रहा है ना। वाह, चले भागो, जोर से भागो। तो अब हम पहुंच गए बरसाने। बोलो बरसाने वारी की जय। अब इसको चढ़ने में समय तो लगेगा क्योंकि हमारे साथ हैं लोग। लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चढ़ेंगे और मस्त दर्शन करके आपको भी कराते हैं। धूप इतनी कड़क है ना, और मैं सच बताऊँ आज मैंने सनस्क्रीन लगाना भूल गया, और मेरे को सनबर्न बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि विटिलिगो की वजह से सनबर्न ना थोड़ा फास्ट होता है। तो राधा रानी बचाएं आज, और एल्स तो भैया आज तो सनबर्न की वजह से घुंचिक हो जाएगा। देख रहे हो कितना भीड़ है। बोलो बरसाने वारी की जय। यहाँ पे जैसे पहुँचते ही मुझे वृंदावन चंद्र महाराज के दर्शन हो गए। हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण महाराज। हरे बोल, हरे राम, हरे राम। बोलो लाडली जी महाराज की जय। तो इतने सारे भक्त लोग देखो यहाँ आ रहे हैं और यहीं से जा रहे हैं। ये देख रहे हो छोले कुलचे, लस्सी, ढोकला, बहुत सारा आइटम है यार। वैसे मैं इसको खा चुका हूँ। बरसाने वारी की।
नहीं बोल पा रही हो हाँ? चलते रहो यहाँ देखो भैया सीढ़ियों के दर्शन। राधे राधे श्याम मिला दे। थोड़ा सा पैदल चलने के बाद ये लोग देखो कैमरा चालू करता हूँ तो सब चलते हैं, कैमरा बंद सब बंद। चलो चलो हाँ कैमरा चालू रहता है। राधे राधे कैमरा चालू रहता है सब चलते हैं, कैमरा बंद बैठ गई थी। चलते चलो। ये माता जी को देखो, जितने भी लोग आ रहे हैं ना सबको ये पंखा दिखा रही थी, सबका थक गए थे बेचारे। ये देखो जितने भी भक्त आ रहे हैं सबको माता जी पंखे से हवा दे रही हैं। और श्रीमती राधा रानी की जय। परसाने वारी की जय। तो भैया पहुंच गए इतने मेहनत के बाद। जय हो बरसाने वारी की। अरे बच्चे कैसे हो? जय हो बरसाने वारी की। देख रहे हो मंदिर के अंदर इतना भीड़। जान भले चली जाए इस धूप में पैर की, बट यहाँ पे जाके एक तस्वीर तो लेके आऊंगा ही मैं। ओए माँ बहुत ठंडी है, सॉरी बहुत गर्मी है। बरसाने वारी की जय। भैया बहुत हो रहा है गर्मी पैर में। तो बरसाना में आके भैया लाडली जी के दर्शन होके अब हम आ चुके हैं चप्पल लेने। आपका चप्पल मिल गया? मेरा चप्पल नहीं मिला, हो गया। ठीक है फिर नया मेरे लिए भी खरीदो, आपके लिए भी। चलो चप्पल दो 52। ऐसे कैसे चोरी हुई? लाला दे रहे हैं जो दो लक्ष्मी में जाते और हमको 10,000। भैया कन्हैया जी अगर वे आ जाते तो 10,000 ले जाते आपके, हमको 51 रुपए दे भैया। हरी बोल हरी बोल। ब्रज और वृंदावन में आके अगर डांस करने से शर्माएंगे तो कहाँ नाचेंगे? दुनिया तो नचा ही रही है, भगवान के सामने नाचेंगे तो क्या दिक्कत है? इतना क्या शर्माने का भगवान के सामने डांस करने में? ये लोग बिना मतलब के शर्म करते हैं, ये भी शर्माती है, ये अभी भी शर्माए जा रही है। क्या गुंडा बनेगी? एक चीज मैंने देखा वहाँ, इतने सारे छोटे बच्चे हैं सब भीख मांग रहे हैं सबके सब। मतलब मुझे देख के ना थोड़ा सा ये बात अजीब सा लगा, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। सारे बच्चे भीख मांग रहे हैं और दुख होता है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बच्चे लोग हुक्का पी रहे थे। वो जाहिर सी बात है जब बच्चों को पैसा मिलेगा तो बच्चे यही करेंगे। पैसा देने के मैं सख्त खिलाफ हूँ और मैं आपको भी बोलूँगा कि पैसा बिल्कुल ना दो। बुरा लगता है यार देख के मुझे, जैसे छोटे छोटे बच्चे पैसा मांग रहे हैं। पता नहीं सही है गलत है क्या है पता नहीं, आप खुद डिसाइड करो। तो अभी हम पीछे साइड से निकलते हुए दानगढ़ पहुँच गया है। दानगढ़ कितना सुंदर लग रहा है और सबकी हालत एकदम खराब हो चुकी है क्योंकि धूप इतना माहौल गरम कर दिया है। प्राचीन मंदिर दानगढ़ की जय। बोलो कहाँ रह गए? वो डायरेक्ट आएंगे। अरे डायरेक्ट आएंगे? पीछे होंगे। नहीं नहीं इतना सुकून है भाई, कोई आवाज नहीं कोई कुछ नहीं, इतना शांति और कोई नहीं है। देख रहे हो पूरे लंबे लंबे तक यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मेरे लिए प्रे करो प्रे करो, तो सबके नाम तो मुझे नहीं याद है बट आप सबके बारे में जानती हो। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परसाना में खड़े होके कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं या इन्होंने जितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है यू नो एवरीवन, तो आप उनके ऊपर अपनी असीम कृपा बना के रखो ताकि उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो और आपके चरणों में हम सभी का मन लगे, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और आप अगर हमें आपका आशीर्वाद दोगे तो ये जीवन भी सफल हो जाएगा। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। यहाँ देखो कितना सुंदर पुष्प। जय हो। हाँ तो पुष्पी है ना, इसको क्या बोलेंगे? पुष्पा। हाँ यहाँ पे खड्डा करके पानी निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? चलो यार बहुत लेट हो रहे हैं। आप चल क्यों नहीं रहे हा? अरे हम तो रेडी तो नहीं चलना चाहिए था। मैं रेडी हूँ, तुम ही नहीं चल रही है। इतना लेट कौन करा सर? चलो चलो बैठ जाते फोटो खींचने।
फोटो खींचने में समझ में आ रहा है। जा देखो आपको व्लॉग बनाना है, जा देखो स्टोरी डालनी है। हाँ कृपया शांति का दान करो। अरे यार शांति का दान करे, बेचारी शांति है ही नहीं ना। शांति को दान कर देता हूँ, अब भी शांति लेके आता हूँ। जब मैं मुंबई में था तो ब्रज के सिर्फ एक संत ऐसे थे जो मुझे हमेशा याद करते थे हर एक 10 दिन बाद, और शायद उन्हीं की वजह से मैं ब्रज से हमेशा कनेक्टेड रहता था मुंबई में रहते हुए भी। मैं आज उनके दर्शन आपको कराता हूँ, तुलसीदास बाबा जी। वो मुझे हर एक 10 दिन बाद फोन करते थे, लाला कैसा है, ब्रज आ जा, ब्रज आ जा, ब्रज आ जा। मैं बाबा जी को बोलता था, बाबा जी आप ऐसा आशीर्वाद दो कि ब्रज में ही रहूं। और आज उनकी आशीर्वाद की कृपा से देखो ब्रज में हूं, तो मैं आपको बाबा जी से भी मिलवाता हूं। यहां देखो कितना सुंदर लग रहा है ना यार, शांति पूरा। अब देखो हम यहां पहुंच गए, पूरा अंधेरा, और वो हमारे प्रिय बाबा जी उनके घर में पहुंच रहे हैं। राधे श्याम बाबा जी कैसे हैं? आशीर्वाद दीजिए पहले। हाँ देखो ये हमारे सबसे परम मित्र, परम हमारे। इतना दिन मुंबई में रहा सिर्फ यही बाबा जी की वजह से मैं वृंदावन से हमेशा जुड़ा रहा। बैठो बैठो सब बैठ जाओ। तो बाबा जी का हमारे लिए इतना प्रेम है, देखो माने नहीं, बोले कि जब तक बिना रोटी खाए जाना नहीं है। देखो इतनी बार मैंने आपको मना किया, बाबा मत करो, बिना मतलब आप परेशान हो रहे हो। सिर्फ दोनों में ले लूंगा, पर आप बिना मतलब परेशान हो जाएगा। तो हम लोग का प्रसाद लेके हो गया, अब हम दर्शन करेंगे श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के चरण कमल के। श्रीमती राधा रानी की जय। इतना बढ़िया बाबा जी ने सब्जी और रोटी खिलाया, अगर एक ब्रजवासी आपको प्रेम करता है ना, मुझे लगता है कि वो जीवन सफल है। और मुझे इतना पता है कि तुलसीदास बाबा जी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरा तो पूरा दिन बन जाता है। सच बताओ बाबा जी तो मुझे ये भी बोले कि तुम आओ बरसाना में रहो मेरे साथ में। हाँ और मैंने ऐसा सोचा कि 2-4 दिन आऊँगा बाबा जी के साथ में रहूँगा और पूरा ब्रज सॉरी बरसाना एक्सप्लोर करूंगा और आप लोग को भी दिखाऊंगा। थैंक यू श्रीमती राधा रानी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ गोवर्धन। नमस्ते गिरिराजा या श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। तो गोवर्धन की परिक्रमा तो हम नहीं कर रहे हैं, पर हम गिरिराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं। धूप इतनी है, आनंद इतना ही है, मैं उतना नहीं थका हूँ, हमारे साथ में रहने वाले लोग थक गए बेचारे। ये तो सब पैदल परिक्रमा लगा रहे हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय, गिरि गोवर्धन की जय। यहाँ देखो सब गिरिराज बाबा पे दूध दही, जय हो गिरि गोवर्धन की। क्या गर्दी है भाई साहब, परम पार। चलते रहो भैया चलते रहो, रुकना नहीं, रुक जाना नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हो क्या मजा आता है देख के। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जिंदगी धक्का दे रही है आपने दे दिया, कौन सी बड़ी बात है। बोलो गिरिराज महाराज की जय, जय हो गिरिराज। हम लोग की यात्रा बहुत अच्छी खासी जा रही थी, फिर अचानक से टायर पंचर हुआ। प्रभु जी बनाएंगे पंचर, लगाएंगे नई स्टेप में। चलो उतरो फटाफट, चाहते थे ना आराम मिले, आराम मिल गया। तो यहाँ पे सारे लोग चेस करते हुए, यहाँ पे चने का लिमका खिलाओ, लिमका। आया बंदर, अरे यार ऐसा चिल्ला रही जैसा लगा बिस्किट है क्या, बिस्किट तो पीछे। तो देखो ये महिला लेके आई है, मम्मी के पास नहीं पहले, अरे इधर 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 मेरे पास, मासी को भी नहीं, मासी को प्यार करता है ना? अरे मेरे लिए। हमारे साथ में एक डॉग लवर भी है, इंसानों को प्रेम नहीं करती है पर कुत्तों को बहुत करती है, इंसानों को भी करती है, इंसानों को कम करती है ना, इंसान इंसानों को कम प्रेम करती है। पोटी थी क्या किसी ने? वहाँ वीडियो बनाओ, देखो ऐसे करो, दिखा दिखा क्या की। ये देखो कुत्ते को इतना प्रेम करती है पर थैली उधर फेंक दी, क्योंकि वो उड़ के उधर चला, उधर नहीं जाएगा, उसको उठाओ, देखो देखो उठाओ उसको, उठाओ उसको डस्टबिन में डालो। देखो ये डॉग लवर है, दुनिया देख रही है तुम्हें, और ये बेयर लवर है। हाँ मैं बेयर करता हूँ फिर लव करता हूँ। कितना घटिया जोक था यार, तुमने सही बोला था, उड़ के वो पार चला गया। पूरे दिन के बाद हम पहुंच गए
वृंदावन धाम तू जाए। तो भैया अब भी जस्ट मैं जाके वृंदावन पहुंचा हूं, इतनी देर के बाद सुबह से निकले निकले हालत खराब हो गई। तो आज का ब्लॉग बेसिकली यहीं पे एंड करेंगे, क्यों? क्योंकि हम गए बहुत ज्यादा थक। तो थैंक यू सो मच, इतना आप लोग ने देखा, इतना जो जो यहाँ तक देखे हो, बोल दो बरसाने वाली की जय। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड, अब हिम्मत नहीं है अपना कुछ आगे ब्लॉग बनाने का। हरे कृष्णा, मिलते हैं कल।